नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस चैप्टर को पूरा देखें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर मैंने अपने चैनल पर केमिस्ट्री फिजिक्स और सब कई वीडियो के चैप्टर वाइज और टॉप में क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखे जो देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको शुरू करते हैं, और अब भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके लिखा होगा रेड कलर, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि को सभी नई जानकारी के वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज दोस्तों 1896 में बैकुरल ने किया था, इसको आपको याद करना है। इसी के साथ आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही बताएंगे फैक्ट, तो आपको याद रखना है अल्फा कण में पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना है अल्फा कण में कौन सा आवेश होता है पॉजिटिव, पूछा जाता है ऑप्शन में। इसी के साथ दोस्तों इस किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसको याद रखना है। और बीटा किरण में जो है दोस्तों आपका कौन सा आवेश होता है माइनस निगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगला देखते हैं, कुछ एक्सपर्ट टिप देख बता दें आपको। रेडियोक्तिका का प्रयोग, शब्द रेडियोक्तिका का प्रयोग मैडम क्यूरी ने किया था, इसको भी याद रखना आपको। नाभिकीय प्रक्रिया में द्रव्यमान तथा ऊर्जा स्थिर रहते हैं, इसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा स्थिर रहते हैं। उत्सर्जी अल्फा कणों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या में कमी बटे चार, ये फार्मूला याद रखना आपको। और नाभिकीय अभिक्रियाएं बाह्य कारकों को द्वारा प्रभावित नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला है रेडियोक्तिक तत्वों की अर्धायु 10^7 सेकंड से 10^12 वर्ष तक होती है, इससे अधिक न इससे कम होगी। तो चलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरफ ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कट गए हैं लगता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं, रेडियोक्ता की खोज किसने की थी? तो रेडियोक्ता की खोज आपका हेनरी बैकुरल ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तत्व, किरणें तरंग होती हैं, गामा किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगले क्वेश्चन ले चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाल्टिंग 2010 और 2005 में पूछा गया था, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती हैं, नियंत्रित छड़ जो होती है नियंत्रक छड़ें कैडियम की बनी होती हैं। इसके साथ अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है विमंदक का, नियंत्रक का, शीतलक का, ईंधन का, तो जो है ये परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट विमंदक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियोक्ता की खोज किसने की थी? तो कृत्रिम रेडियोक्ता की खोज जो है आपका आई क्यूरी तथा जोलियट ने की थी, आई क्यूरी तथा जोलियट ने, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन आपको ले चलते हैं, अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या का या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है? तो है गामा किरण, क्योंकि दोस्तों पर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव, तो इसलिए इसमें कोई अपरिवर्तन नहीं होता। इसके साथ अगला क्वेश्चन, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, आयनीकरण क्षमता तो है अल्फा कण होता है, अल्फा पे पॉजिटिव होता है बीटा पे नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि में प्रयोग नहीं की जा सकती, क्योंकि नाभिकीय संलयन विधि प्रयोगशाला नहीं प्रयोग की सकती, एक क्वेश्चन दोस्तों 2008 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर होगा अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों प्रयोगशाला में अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, नाभिकीय संलयन इसलिए प्रयोग नहीं किया जा सकते वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है केवल अल्फा या केवल बीटा, दोनों नहीं करेगा दोस्तों, केवल अल्फा करेगा केवल बीटा करेगा,
इसी साथ अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है। बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है दोस्तों नाभिक के इलेक्ट्रॉन तथा का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बदलना। नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बदलना, तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से बीटा कण है, बीटा कण जो है -1e^0 होता है। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, रेयान 88 226 से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह होगा? शून्य। अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? शून्य में। दोस्तों आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगला बताते हैं आपको, 90 230 में बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त होगा 91 Pa 234। और अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो था बारे में पूछा गया था कि गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है। इसमें क्या होगा, अल्फा विकिरण की चाल जो है प्रकाश की चाल से अधिक है, ऑप्शन बी है गामा विकिरण, दोस्तों सॉरी गामा होगा यहाँ पर अल्फा की जगह, गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल से, गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल से कम होगा, गामा विकिरण की चाल पिछली दशाओं में प्रकाश की चाल से कम अधिक या बड़ी हो सकती है। इसका ऑप्शन होगा गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल, ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल। इससे तो अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं कि प्रकाश किरणों की भेदन क्षमता होती है, तो प्रकाश किरणों की भेदन क्षमता आपका एल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक है, गामा किरणों की भेदन क्षमता। अगला देखते हैं, 3 अर्धायु काल के पश्चात किसी पर रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत अंश शेष रहेगा? तो 12.5% अंश शेष रहेगा। इसी साथ अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि निम्नलिखित में से अल्फा कण है या He2+ आयन जो है अल्फा कण है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्धायु 30 दिन, 90 दिन के समय के अंदर परमाणु का अंश जो 6 हो जाएगा, 87.4% होगा इसका आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, निम्नलिखित समीकरण में नाभिकीय संलयन को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका, वन एच टू प्लस वन ई जीरो जो है इसका नाभिकीय संलयन दर्शाता है। इसी के साथ दोस्तों अगला दिखाते हैं आपको, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो 2006 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाभिकीय रिएक्टर का कार्य क्या है, इसका ऑप्शन होगा नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन है, जो है नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन नियंत्रित ढंग से करता है। इसी साथ अगला क्वेश्चन देख के आपको, नाभिकीय परिवर्तन 84 Pb 215 to 82 Pb 221 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं? तो एक, क्योंकि दोस्तों अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो आपका जो है दो परमाणु क्रमांक कम होगा और 4 परमाणु भार कम होता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 1H1+0N1 से बनता है क्या? ड्यूटेरियम, जो कि भारी जल है। कभी भी पूछता है भारी जल क्या है, तो भारी जल जो है ड्यूटेरियम, इसका सूत्र होता है D2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसी से अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत प्रकार करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन प्रकार करता है, नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों, विल्सन अभ्रक में कौन सा चिन्ह नहीं छोड़ता, विल्सन अभ्रक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, जो न्यूट्रॉन चिन्ह। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़े किस लिए प्रयोग की लाई जाती हैं? तो जो है इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में जो क्रियाएँ अधिक गतिशील होती हैं, उसको उस गति को कम करने के लिए
नाभिकीय के नियंत्रण छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स तथा तत्व एल्फा का उत्सर्जित करता है और वाई बनता है, एक्स तथा वाई है न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बल न्यूनतम किस सिद्धांत पर करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम जो है कार्य करता है। ये दोस्तों नाभिकीय सरण, नाभिकीय विखंडन कौन सा किस पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, इसको याद रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला देखते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में से एक तत्व का नाभिक क्या होगा, कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर दो या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कब प्राप्त करती है, तो जो है किस क्रम पर प्राप्त करती है, जो 2015 पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ, सभी विखंडन आपको याद करना है। तो दोस्तों संलयन प्रक्रम पर, या कभी कोई ऑप्शन देगा नाभिकीय संलयन पर, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, संलयन प्रक्रम। इसके बाद अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता कभी तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में हो अस्थायी नाभिक, अगर दोस्तों अस्थायी नाभिक होगा तभी वह रेडियो एक्टिविता दर्शाएगा, नहीं तो नहीं दर्शाएगा। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको आपके 2019 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको यूपी पार्टिंग से रिलेटेड सभी लेटेस्ट प्रिपरेशन की जानकारियाँ मिलती रहें और आपका 2019 में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स और अच्छे रैंक बने। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, फिर अपने फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर करिए जो 2019 में यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल किया। तो दोस्तों आशा वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो प्रेस करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।